में आपका स्वागत है। और एडवांस अकाउंटिंग की इस क्लास में हम देख रहे हैं टीडीएस के बारे में। और कल हमने एक टीडीएस मेजर पेमेंट बनाया था, किस नाम से? रेट ऑफ टीडीएस और रेट ऑफ लैंड बिल्डिंग और फर्नीचर। आज पेज नंबर 73 भी आ जाइए। और वहाँ एक और नया टीडीएस मेजर पेमेंट बनाना है। क्या हुआ? रिपोर्ट कहाँ लिखा हुआ? रिपोर्ट रिटर्न है कहाँ है? एक टीडीएस सुन लीजिए। हाँ, उसको क्या लिखा हुआ उसमें? तो कुछ करना नहीं है, बस बता रहा है कब कब होता है। कहाँ है? एक टीडीएस रिटर्न इज ए क्वार्टरली स्टेटमेंट। टीडीएस रिटर्न क्या होता है? एक क्वार्टरली स्टेटमेंट होता है, यानी तिमाही एक स्टेटमेंट होता है विच हैज टू बी सबमिटेड टू द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। जो किसके द्वारा सबमिट किया जाता है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। सबमिटिंग टीडीएस रिटर्न इज मैंडेटरी इफ यू आर अ डायरेक्टर। और यह जरूरी है अगर आप आपका दायित्व तो बनता है या इस कैटेगरी में आते हैं कि आपको टीडीएस देना है, समझ रहे ना? तो ये जरूरी है सबमिट करना। इट हैज द डिटेल ऑफ टीडीएस डिडक्टेड एंड डिपॉजिट बाय यू। और ये किसके द्वारा डिपॉजिट किया जाएगा? आपके द्वारा डिपॉजिट करने का मतलब समझ रहे ना? अगर आपको लग रहा है कि आपकी इनकम उस लिमिट को पार कर रही है, वो चीज उस लिमिट को पार कर रही है, तो फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप टीडीएस का रेट जो भी लग रहा है का जितना परसेंट, 10%, 20% जो भी बन रहा होगा, वो आप क्या करें, एज ए टीडीएस के रूप में से सबमिट करें। वो कौन करेगा? आप करेंगे, समझ गए ना बाबा? और कहा है टीडीएस रिटर्न इंक्लूडेड डिटेल ऑफ पैन डिडक्टर एंड डिडक्टी, यानी कि टीडीएस में क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए? पैन पैन आपका पैन, ठीक है, द आप द डिडक्टर एंड डिडक्टी, यानी जो काट रहा है आपसे डिडक्शन ले रहा है और आप जो डिडक्टी है, दोनों का ही डिटेल पैन होना चाहिए, समझ रहे ना? पार्टिकुलर ऑफ टैक्स पेड ऑफ गवर्नमेंट। और ये टैक्स किसको पेड किया जाता है? गवर्नमेंट को। कहा है टीडीएस चालान इंफॉर्मेशन एंड अदर डिटेल आर रिक्वायर्ड इन द फॉर्म ऑफ, नीचे दिया हुआ है डिडक्शन ऑफ मंथ कब हो रहा है, फर्स्ट क्वार्टर क्या होता है 31 जुलाई, सेकेंड क्वार्टर 31 अक्टूबर, और थर्ड क्वार्टर जो होता है 31 जनवरी का। यही तीन क्वार्टर होते हैं, ठीक है। फोर्थ होता है, अब क्योंकि एक साल में कितने महीने होते हैं? 12 होते हैं, तो तीन तीन महीने को एक क्वार्टर बोला जाता है। क्वार्टर किसको बोलते हैं? 3 महीने को। तो 4 बार होंगे ना तीन तीन महीने, समझ रहे ना? इसीलिए तीन तीन महीने दिया। पहला क्वार्टर कब होता है? 31 जुलाई, 31 अक्टूबर, 31 जनवरी और 31 मई, यही होता है। समझ में आगे बात ना? चलिए, और ये सारे अधिनियम किसके तहत है? एक्ट 1961 के, ठीक है। अभी हमें लैब प्रैक्टिस में फिर से एक बनाना है टीडीएस नेचर, जिसका नाम है टीडीएस ऑन रेंट ऑफ बिल्डिंग। सेम वही प्रोसेस होगा। बताइए कल कहाँ गए थे हम लोग? सबसे पहले कंपनी ओपन कर लेंगे। क्या बहुत मतियारी माहिर हो गई, देख रहा हूँ अब देखिएगा। सबसे पहले कंपनी ओपन कर लें, टीडीएस में 0.4 टीडीएस। सुनिएगा ध्यान से, सबसे पहले कहाँ जाना है? क्रिएट क्या बनाएंगे? रिटर्न रेजर नहीं, पहले क्या बनाते हैं? टीडीएस नेचर ऑफ पेमेंट। अभी नहीं, जिसका भी रेट 10% है या जो भी होगा, 10%, 5% जो भी है, तो रेंट लिखा है तो उसी वाला रेंट को उठा ले जो पहले बनाया है। नहीं, ख्याल देखिए तो इसमें 5% लगाया गया है, देख रहे हैं ना? जो बनाया गया था, नहीं कहाँ गया, कितना परसेंट दिया हुआ है? इसका भी उतना ही है, 10% है। देखो, अरे यार नीचे मत देखो, तो कमीशन और ब्रोकरेज वाला है, मारे कान खून हो जाएगा अभी। अरे पढ़ो ध्यान से क्या लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? टीडीएस ऑन कमीशन और ब्रोकरेज है, 73 पे लिख रहे हो ना? तो ब्रैकेट वाला मत देखो, ऊपर देखो जो बनाना है हम लोग को। 194J पेमेंट कोड दिया हुआ है, 94J होगा और 10% का वो होगा, थ्रेशोल्ड लिमिट 240 की है। तो कल भी जो बनाया था उसकी भी लिमिट 240 की थी, तो इसका मतलब ये नहीं कि वही उठा लेंगे, नहीं, इसके लिए भी अलग बनाएंगे। अगर नाम अगर अलग है तो बनाएंगे, सेक्शन अलग है तो बनाएंगे, समझ रहे ना? कल क्या था? 194I था ना? यस सर।
तो आज क्या है, जे है तो ये बनाना पड़ेगा। क्या लिखा हुआ है, टीडीएस, टीडीएस के नाम इस तरह नहीं बनाएंगे, किस तरह बनाएंगे, टीडीएस ऑन कमीशन इसी तरह बनाएंगे, टीडीएस, टीडीएस ऑन रेंट ऑफ हाँ बिल्डिंग हो गया। इंटर करेंगे, सामने देखिएगा सेक्शन की बात की गई है 194J, और क्या यहाँ मिस प्रिंट है, यहाँ का लीजिएगा 94J, ठीक है। इंटर कर दिया, और इसका जो विथ पैन है 10% का है, और थ्रेशोल्ड लिमिट कितनी है 240, यानी 2,40,000। पेमेंट कोड दिया था रिलीज पेमेंट कोड तो डाले तो है 94J, हाँ पहले ही जज कर लेना हो गया ना। तो पहले ही बनाना था, सिर्फ तीन लेजर बनाएगा, सुन लीजिए, तीन लेजर बनाएंगे, जरूरी हम नोट्स की जरूरत पड़े, सुनिए ध्यान से, सब सामने दिखेगा कि टीडीएस क्या किया हम लोग, रेंट दिए हैं, किस पे रेंट दिए हैं, बिल्डिंग पे। तो पहले तो इस पहले तो नेचर पेमेंट बनाते हैं, फिर इसी सेम नाम से एक लेजर भी बनाते हैं। मेरी बात ध्यान सुनिएगा, जो नेचर पेमेंट बनाया अभी को ना, सेम इसी नाम से क्या बनाएंगे, एक लेजर बनाएंगे। पहले बनाएंगे, पहले तो बनाएंगे रेंट ऑफ बिल्डिंग, क्या बनाएंगे, रेंट ऑफ बिल्डिंग। रेंट ऑफ बिल्डिंग क्या है, एक्सपेंस एक इनकम है, तो इनकम है देना, बना हुआ है रेंट ऑफ बिल्डिंग, बना बिल्डिंग बना रही है यार। चलो ठीक है, बिल्डिंग बना हुआ है, ठीक है कोई बात नहीं, बिल्डिंग बना हुआ है, सर हाँ ठीक है बनाया तो। और दूसरा क्या बनाएंगे, एक बनाएंगे टीडीएस रेंट, और दूसरा क्या बनाएंगे, दूसरा बनाएंगे टीडीएस रेंट ऑन सेम चीज ऑन बिल्डिंग, और ये क्या होगा, टीडीएस लग रहा है ना, इसका डब्ल्यू क्या होगा, टैक्स हो जाएगा ना, ड्यूटी एट टैक्सेस, यहाँ करेंगे टीडीएस, यहाँ नेचर पेमेंट क्या रहेगा, देखिए तो दो दिख रहा है, रेंट ऑफ लैंड बिल्डिंग और फर्नीचर, या टीडीएस ऑन रेंट ऑफ बिल्डिंग, क्या लेंगे यहाँ पे, ये वाला सेकंड वाला लेंगे, ठीक है। इंटर करेंगे, इंटर करके क्या करेंगे, पैन नंबर तो यहाँ नहीं लेना है, पार्टी के नाम में लिया जाता है, यहाँ पार्टी का नाम लिया है क्या, सही एजेंसी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे, सुनिएगा ध्यान से, सबसे पहले कहाँ जाते हैं, वाउचर में, थोड़ा ध्यान से करिएगा, वाउचर में, और यहाँ जाने के बाद से ध्यान से देखिए, यहाँ बात करिए, और एफ सेवन से जनरल में डेबिट कौन होगा, रेंट ऑफ बिल्डिंग कितने की है, 3 लाख की है क्या, तीन लाख की, नहीं क्या दिया, बस इन द रेट ऑफ फर्नीचर एक्सपेंसेस 19, क्वेश्चन ही थोड़ा सा अजीब दिया, एक मिनट चाहिए, देखिए ध्यान से, इसमें कहा है ऊपर वाला क्वेश्चन तो पुराना ही रिपीट किया हुआ है, थर्ड पॉइंट अगर देखेंगे, थर्ड पॉइंट, तो थर्ड पॉइंट दिया हुआ है, देख रहे हैं थर्ड पॉइंट ना, इसमें जो दिया हुआ है, अच्छा पहले सेकंड दिया हुआ है रिमेनिंग अमाउंट 270, ये तो पेमेंट वेमेंट कर चुके हैं हम लोग कल ही का, याद आ रहा है ना, साल उत्तर पहले दिया है, बाद में क्वेश्चन दिया हुआ है, 270 का हम लोग एजेंसी को पेमेंट किए थे, याद आ रहा है ना, सर रिमेनिंग 270 पेमेंट किए थे, 30,000 किसको पेमेंट किए थे, टीडीएस टीडीएस का पेमेंट किए थे, ये तो छोड़ दीजिए। थर्ड नंबर में जो दिया हुआ है गायत्री मोटर मोटर बुक रेंटल एक्सपेंस 1,90 का, फर्नीचर अगेंस्ट एजेंसी, सिर्फ फर्नीचर एक्सपेंस 2,90 का हुआ है, क्या हुआ है, फर्नीचर एक्सपेंस हुआ है 2,90 का। चलिए एक लेजर बनाइए, तो अल्ट सी करके किस नाम से, फर्नीचर, हाँ तीसरे वाले से, क्योंकि पुराना देखिए ऊपर वाला क्वेश्चन जो दो दिया है ना, कि पुराना जो कल किए थे हम लोग वही दिया हुआ है, फर्नीचर एक्सपेंस एक्सपेंस ही होगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा, और यहाँ जरूर ले लेंगे, यहाँ पे अनडिफाइंड क्या ले लेंगे, अप्लीकेबल, सामने देखा करिए, और ये टीडीएस बिल्डिंग फर्नीचर जो भी लेना होगा ले लेंगे, ठीक है, बस हो गया। कितने का है, 2,90 का दिया हुआ है ना, 2,90, तो 2,90 का 10% कितना होगा, 29,000। देखो जब भी
एग्जैक्ट वैल्यू कोई देती है ना, एक जीरो कर कम कर दीजिए तो वही 10% हो जाता है। जैसे 5,000 है, 5,000 में कितने जीरो होते हैं? तीन। 10% निकालने के लिए बोलेंगे तो क्या करेंगे, एक जीरो कम करके बता दीजिए, 5,000 का एक जीरो हटा दीजिए कितना बचेगा? हाँ नहीं, ये सब चीजें कैलकुलेशन थोड़ी सी फास्ट में थी। अच्छा कोई 5% कह दे तो पहले 10 निकाल दो उसका आधा कर दो, तो मान लो 5,000 का 5% कितना होगा, 10% कितना होता है, 500 उसका आधा कर दिए 25 के 250 होगा ना। गजब वाले, इतना सिखाने के बाद 25 कट जाते हैं। ठीक है कोई बात नहीं, तो ऐसे करिएगा। अभी कितने का है, 290 का है, तो 290 का 10% कितना होगा, 29,000। यानी कि अगर हम फर्नीचर एक्सपेंस कर रहे हैं 290 का, तो साई एजेंसी को दे रहे हैं पेमेंट, कितना देंगे, 261 ही देंगे, 190 नहीं होगा। 290 करिएगा, 190 लिखा हुआ उसको 290 कर लीजिए, करिए 290 जो 190 दिया हुआ है। अब थोड़ी मेरी बात को ध्यान समझिएगा, हमको साई एजेंसी को पेमेंट करना था, तो लीजिएगा किसको पेमेंट करना था, साई एजेंसी को, कितने का पेमेंट करना था, 290 का। किस रूप में करना था, एक्सपेंस कौन सा एक्सपेंस, फर्नीचर एक्सपेंस। लेकिन नियम से ये कहता है कि टीडीएस लग जाएगा अगर वो उसका एग्जम्पशन लिमिट पार कर जाएगा, एग्जम्पशन लिमिट क्या है, 240। तो 240 से ज्यादा है, 290 कम है, ज्यादा है, तो देना कितना था साई को, 290। लेकिन लिमिट जब पार करेगा उसमें टीडीएस भी कट जाएगा ना, तो 29,000, 2,90,000 का 10% कितना होगा, 29,000 होगा। यानी कितना साई एजेंसी को देंगे, नहीं गधा, 290 को से घटाया जाता है ना, कल 3,30,000 नहीं घटा दिए थे, वैसे 2,90,000 से कितना घटा देंगे, 29,000 घटा देंगे, कितना जाएगा, 261 आ जाएगा, कितना जाएगा, 261। यानी पेमेंट कितने का करेंगे साई एजेंसी को, 261 का, और बाकी 29,000 किसको पेमेंट करेंगे, टीडीएस और समझ रहे ना, डेल्टा बिल्डिंग का ये वाला फर्नीचर वाला, समझ रहे आगे बात ना, ये दिमाग। अच्छा फिर से सुन लीजिए, मान लो किसी को 5 लाख का देना था आपको, लेकिन 5 लाख लिमिट पार कर लिए 240 की, हो गए ना, 5 लाख का 10% कितना होगा, 50,000। यानी पार्टी को अब 4 50 ही देंगे, अब 50,000 किसको देंगे, टीजीएस देंगे। तो दिमाग में रखिए, अगर लिमिट पार कर रहा है उसका 10% निकाल दीजिएगा, वो टीजीएस के रूप में देंगे, और बाकी जो पैसा बचेगा वो पार्टी को देंगे। साई एजेंसी को कितना दे रहा था बताओ, साई एजेंसी को कितना दे रहा था, 290 देना था, तो लिमिट पार कर गया ना, उसका 10% निकाल दो, कितना आया, 29,000। 290 में 29,000 तो पीडीएस दे दोगे, 290 में 29,000 पीडीएस दे दोगे, बाकी कितना पैसा बच गया, 261 बच गया, 2,61,000, वो किसको दोगे, साई एजेंसी को, समझ में आ गई बात है ना। चलिए देखिएगा ध्यान से, 290 इंटर करेंगे, सामने देखिए अब इंटर करेंगे, किसमें कर रहे, जन्म में कर रहे ना, नीचे एक्सपेंस, क्रेडिट कौन होगा, साई एजेंसी, इंटर करेंगे, न्यू रेफरेंस, न्यू रेफरेंस में क्या लिख दीजिएगा कि रेंट ऑन फर्नीचर, या फिर QR लिख दे, समझ जाएंगे ना, फर्नीचर। ठीक है, 290 हो गया, रेंट कितना देना था, रेंट कितना देना था, अरे रेंट कितना देना था भाई, 290 लिमिट पार कर गई है 240 की, यानी इसका 10% क्या हो जाएगा, फिर न्यू रेफरेंस आ जाएगा, जैसे कल आया था, देखो 29,000 का आया है, इसका क्या लिखेंगे, टीडीएस ऑन रेंट ऑफ एफ यू आर फर्नीचर, सामने देखिए बस इंटर कर देंगे। यानी अब ओवरऑल आप ही खुद सोचिए, इंटर करके और देखो वहां डाले कितना थे, साइज एनसीम कितना डाले थे, अभी 290, लेकिन कितना हो गया अपने आप, क्यों, क्योंकि यहाँ लिख भी दिया है कि रेंट 290 का था और उसमें कितना टीडीएस लग जाएगा, 29,000 का, यानी कितना देंगे उसको साइज एनसीम, क्योंकि क्वेश्चन जनरल में एंट्री करने के बाद दो पेमेंट करना पड़ रहा है हमको, एक टीडीएस का पेमेंट करना पड़ रहा है, एक पार्टी का, और अगला क्या देंगे, ये वाला टीडीएस ड्यूटी ऑन रेंट और बिल्डिंग जो भी होगा, ठीक है रेंट ही ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, 29,000 बस, एंटर करके एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्ट हो गया। अब कहाँ जाएंगे, ये फाइल से पेमेंट, पहला पेमेंट किसको करेंगे, साई एजेंसी को, साई एजेंसी पाने वाला है, डेबिट होगा, सामने देखिए एंटर करेंगे, अगेंस्ट डिफरेंस पे कौन सा अमाउंट उठाएंगे बताइए, होगा
रेंट ऑफ फर्नीचर सेकंड वाला देख रहे हैं ना, इंटर करेंगे, पूरा बैलेंस उठा लेंगे, याद करिए। सिर्फ कितना लिखेंगे? 261। अगर पूरा 290 उठा लेते तो यहाँ बैलेंस दिखाने लगता है, यहाँ बैलेंस दिखाने लगा। देखो 261 लिए हैं, यहाँ बैलेंस कितना हो गया? जीरो हो गया। मैं थोड़ा बाहर आ रहा हूँ, अगर आप ध्यान नहीं देते और पूरा बैलेंस आई एजेंसी का अगर उठा लेते, अगेन से प्रिंस में ये पूरा बिल उठा लेते, 290 को चेंज नहीं करते तो कोई यहाँ लगता है बैलेंस दिखाने लगता। कल भी बताया थे आपको, याद आ रहा है ना? इसीलिए जितना पेमेंट देना है याद की रही है, साइजेंसी को कितना देना है? सिर्फ 261। अरे बात साइजेंसी फर्नीचर यहाँ लिखेंगे 261 एंटर। और किस बैंक से? कोटक। चेक नंबर अगर दिया होगा, चेक नंबर दिया होगा, नीचे सब पे दिया होगा, 17 45 33, 17 45 33, 17 45 33। और यही दोनों पेमेंट उसमें भी पड़ेगा टीडीएस वाले में। अब देखिए अगला पेमेंट किसका करेंगे? टीडीएस का। तो कौन सा लिए थे? ड्यूटी ऑन रेंट, यही बिल्डिंग वाला ही लिए थे, रेंट वाला बनाए थे लेकिन यूज नहीं किए इसका हम। ठीक है, ले लिए बिल्डिंग वाला, अगेन से प्रिंट इसमें नहीं दिखा रहा है, यानी कौन सा लिए होंगे? रेंट वाला लिए थे लग रहा है, रेंट वाला देख रहे हैं ना कितने का? 29,000। ठीक है इंटर। और देने वाला करूंगा कोटक, इसमें भी चेक नंबर सेम वही डालेंगे, कौन सा? 17 17 45। समझ में आगे कैसे करना है ना? और एक और मिशन पेमेंट बना लीजिए, कहाँ बनाएंगे इसके लिए? इसके लिए बाहर बताइए आप, बोलिए कहाँ जाएंगे? क्रिएट में। और कहाँ जाएंगे? टीडीएस मिशन। आप पेमेंट में एक और नेचर बना लीजिए जिसका नाम है टीडीएस ऑन कमीशन और ब्रोकरेज, यानी दलाली वाला टीडीएस, या और कमीशन वो, और शायद कमीशन की बात किया जाए या ब्रोकरेज, बात एक ही है। हाँ मतलब यहाँ पे सेम रेट लगेगा दोनों का, मतलब एक नहीं है कमीशन और ब्रोकरेज का, समझ रहे ना? लेकिन अगर दोनों ही काम कर रहे हैं तो दोनों में ही रेट फिक्स है। सेक्शन क्या है? 194H और नीचे 94H, 94 ही है ना? ठीक है। अब कितना परसेंट का इस पे? सिर्फ 5% का। और एग्जम्पशन लिमिट कितनी है? 15,000। यानी 15,000 से नीचे होगा तो कोई टीडीएस नहीं कटेगा, लेकिन 15,000 से ऊपर होगा तो टीडीएस कटेगा। 1% के बिहार पे भी कर लीजिएगा। देखिए यहाँ उसकी 10 नीचे क्वेश्चन दिया हुआ, चौथा नंबर वाला, दो बार चौथा दिया हुआ मत करिएगा। ये चौथा तो हम लोग कर ही लिए, पेमेंट दिया है, ये चौथा कर लिया ना, दो चौथा दिया हुआ है। कौन जो चौथा दिया हुआ है? दूसरा वाला टीडीएस कमीशन ऑन ब्रोकरेज के नीचे दिया हुआ है। इसमें कह रहा है कि गायत्री मोटर ने इंक्लूड किया है कमीशन एक्सपेंड किया है, कितने का? फ्रॉम सर्विस व्हीकल किसे लिया है? पार्टी का नाम देखो क्या दिया हुआ है यहाँ पे, पार्टी का नाम है बिजनेस कंसल्टेंसी। पार्टी का नाम क्या है यहाँ पे? बिजनेस कंसल्टेंसी। एक लेजर बनाएंगे, किस नाम से? बिजनेस कंसल्टेंसी के नाम से एक लेजर बनाएंगे, बिजनेस कंसल्टेंसी, ये है पार्टी का नाम, संड्री क्रिएटर, क्रिएटर हो जाएगा। इंटर करेंगे, इंटर करेंगे, यहाँ इसको क्या करेंगे? अप्लीकेबल यस करेंगे ना। और यहाँ क्या लेंगे? एक कंपनी रेजिडेंट, कंपनी रेजिडेंट, इंटर, और इसको यस करेंगे। पैन नंबर जरूर डाल लेंगे, पैन नंबर जरूर दिया होगा, ASTFG 1 2 3 1 2 3 5 है ना? जी वही बार बार दे रहा था, अच्छा पढ़ लीजिए। देखिएगा यहाँ से, और लेजर भी बनाएंगे, किस नाम से लेजर बनाएंगे? तो गायत्री मोटर इंक्लूड कमीशन एक्सपेंस, क्या है? कमीशन एक्सपेंस, सामने देखते रहिए क्या क्या बन रहा है एक्सपेंस। अंडरगुड क्या होगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा। इंटर करेंगे, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ लेंगे अप्लीकेबल, अप्लीकेबल, और यहाँ क्या लेंगे? टीडीएस ऑन कमीशन ऑन ब्रोकरेज, ये लेंगे। अगर गलत सेलेक्ट कर लेंगे तो 10% उठाने लगेगा, याद रखिएगा। बस इंटर इंटर के शिफ्ट लेंगे, और एक और लेजर बनाएंगे, क्या बनाएंगे बताइए? लास्ट लेजर टीडीएस ऑन क्या? कमीशन और ब्रोकरेज, इसी नाम से बनाएंगे, जिस नाम से टीजर नेचर पेमेंट बनाते हैं सेम उसी नाम से बनता है। और बस यही रहता है कि इस बार अंडर ग्रुप इसका रहता है क्या? ड्यूटी एंड टैक्सेस।
जिस नाम से टीडीएस ने जब पेमेंट बनाया है उसी नाम से ये बनाएंगे, समझ गए ना, लेजर। लेकिन बस उसका अंडर क्या होगा, ड्यूटी एंड टैक्सेस होगा, यहाँ टीडीएस होगा और यहाँ पे हो जाएगा टीडीएस और कमीशन और ब्रोकरेज। कोई दिक्कत? अभी ट्रांजेक्शन तैयार हो गया है, मतलब कि लेजर बनके तैयार हो गया। लास्ट काम क्या करना है, वाउचर में आना है या टेबल से जनरल, किसका पेमेंट कर रहे हैं हम लोग, मतलब सॉरी कि क्या कर रहे हैं हम लोग, कमीशन एक्सपेंस कर रहे हैं कितने का, 1,20,000 का। 15,000 से ज्यादा हो गया कि नहीं हो गया, तो 1,20,000 का 5% पहले 10% निकालिए, 1 मिनट के कोई बोलेगा नहीं। कितना अमाउंट दिया हुआ है, लड़कियां बोलेंगे थोड़ा सा कहिएगा आप तो लड़की, कितना अमाउंट दिया हुआ है, 1,20,000। इसकी एग्जेम्पशन लिमिट कितनी है बताओ रचना, 1,20,000 दिया हुआ है, लिमिट 15,000 की है, तो ज्यादा है कि कम है रचना, कौन है, ज्यादा है कि कम है, ज्यादा है यानी टीजेस लगेगा, लगेगा ना, तो बताइए कितने परसेंट का टीएस लगाना है, 5% का, तो पहले 1,20,000 का 10% कितना होगा, 12,000। तो 5% बोला, 10 तो बोला नहीं है, तो 12 का भी आधा कर दिया जाएगा, 6,000 रुपये। तरीका सेम, प्रोसीजर वही है, अगर नहीं आता है तो तरीका जान लीजिए, निकालने का बहुत आसान होता है, जितना अमाउंट दे रहा है अमाउंट ले लेंगे। कितना अमाउंट बोला है, 1,20,000 बोला है ना, 1,20,000 का 5%, 5% परसेंट का मतलब होता है कि परसेंट जो होता है वो परसेंट क्या होता है, तो बताओ 2 0 2 0 का आंसर होता है, पता है 120 गुणे 5 ऐसे कर दो, 12% हुए 5,000 पहुंचा रहे, तो ऐसे नहीं। और नॉर्मल तरीका क्या था, मैंने कहा है कि अगर पहले किसी चीज को निकाला है 10% निकाला था, तो पांच परसेंट की बात किया ना, जितना भी आधा कर दिया, तो ये दिमाग की थोड़ा सा फास्ट हो गया, तू बुला रहे थे। चलो ठीक है, इस क्वेश्चन को करते हैं फिर फाइनली। और यहाँ क्या है, 1,20 है ना, 1,20 ही रहेगा इंटर करेंगे ओवरऑल, मतलब मैं यही कहना चाहता था कि जब यहाँ पर पार्टी का नाम लेंगे, पार्टी का नाम क्या है, बिजनेस कंसल्टेंसी, सामने देखिए बस, बिजनेस कंसल्टेंसी, इंटर करेंगे, इंटर करेंगे तो न्यू रेफरेंस पे पूरा अमाउंट आएगा, यहाँ क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कमीशन एक्सपेंस, एक्सपेंस कितना का है, 1,20,000 का, फिर न्यू रेफरेंस वाला ऑप्शन आएगा और यहाँ क्या लिखेंगे, टीडीएस ऑन कमीशन कितने का आया, 6,000 का आया कि नहीं आया, ठीक है। और क्रेडिट कौन होगा, टीडीएस ऑन कमीशन और ब्रोकरेज 6,000, बस एंटर करके क्या कर लिया, एक्सेप्ट, और जस्ट इसके बाद पेमेंट करेंगे दो लोगों, एक तो बिजनेस कंसल्टेंसी को और दूसरा ये बताइए कितना बिजनेस कंसल्टेंसी को पेमेंट करेंगे, बिजनेस कंसल्टेंसी को कितना देना था, 1,20,000 देना था, लेकिन 6,000 क्या निकल गया, तो कितना देंगे, 1,14 देंगे, ठीक है, इंटर करेंगे, अमाउंट आएगा 1,20,000 का, लेकिन यहाँ लिखेंगे क्या, 1,14, इंटर कर देंगे। और क्रेडिट कौन होगा, वोटर, देख लीजिएगा चेक नंबर, अगर दिया होगा चेक नंबर जरूर चेक कर लीजिएगा, नहीं दिया है चलिए आप लोग देख लीजिएगा। और अगला पेमेंट किसको करेंगे, टीडीएस और ब्रोकरेज वाले को, कितना पेमेंट करेंगे, 6,000 रुपये, बस। डेबिट क्रेडिट कौन होगा, वोटर, आपके लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, जादू।